बहुत से विभागों की इसमें चर्चा नहीं की गई। मेरा ये कहना है कि ये जो बजट का भाषण होता है, ये बजट का भाषण एक कुल मिलाकर अगले वर्ष की बजट की एक जिसको कहना चाहिए एक सार होता है, एक दिशा होती है। हर बजट का कभी भी, हर विभाग की कभी भी चर्चा होती नहीं है। और उसके लिए अगर मैं उदाहरण दूंगा तो ये बजट है 2014-15 का, क्योंकि आप लोगों की सरकार का सबसे लास्ट बजट है, चट्ठा जी ने पढ़ा था। इसमें 33 विभागों की चर्चा है, मेरे भाषण में 38 विभागों की चर्चा है, 5 विभागों की चर्चा ज़्यादा है। हर विभाग की चर्चा संभव होती नहीं है, क्योंकि उन्हीं में जिसके अंदर इंडिकेटर्स ऐसे हमको लगता है कि कहीं ज़्यादा है, कहीं हो सकता है अगर कम भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि आखिर परसेंटेज जो बजट की होती है, अगर हम किसी एक विभाग में टोटल बजट का शेयर 0.5% भी बढ़ाते हैं तो कहीं 0.5% कम तो होगा ही, परसेंटेज तो 100 है, 100 का 100 रहने वाला है। कहीं अगर हमने 4 से 5 की है तो 1% किसी न किसी विभाग से 1 से 2 से 4 से कम होना है, परसेंटेज इज परसेंटेज। तो इसलिए इसको इस तरीके से आंकना, हाँ उस परसेंटेज से प्राथमिकताएं जरूर तय होती हैं कि हमने किस में बढ़ाया है और किस में कम किया है। कम करने के भी कई बार अनुमान ऐसे होते हैं कि उसको हम या तो उसमें कोई घाटा चल रहा है उस घाटे को हम कम कर लेंगे, या उसका रेवेन्यू पार्ट जो है वो बराबर कहीं इस प्रकार का है कि उसको वहीं पूरा कर लेंगे, या ये भी हो सकता है कि बाद में अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो बहुत से विभागों का आरी में व्यवस्था करनी पड़ती है, आरी के अंदर उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी हमने तय की है उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कहना चाहिए कि संतोष का ही विषय है कि इस बार बजट सत्र में एक पर्याप्त चर्चा ये सब हुई, न केवल बजट सत्र में बल्कि बजट पूर्व भी जो एक सिलसिला चला उससे पूर्व डिस्कशन का, चाहे वो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ 7-8 मीटिंग मेरी हुई है, डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स करना स्वाभाविक था ही वो तो, लेकिन साथ में चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्थाओं से हुई, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के लोगों को बुला करके की, बाद में सांसदों से, और 3 दिन तक लगातार विधायकों से भी चर्चा हुई। बहुत से सुझाव आए, जैसे मैंने बजट रखते समय भी कहा था, वही बात मैं दोहराऊंगा कि पहली बार 100 घंटे से ज़्यादा जो मीटिंग्स हैं वो सारी मेरी बजट पर हुई है। और जिसको कहना चाहिए कि यहाँ भी यह बजट पूर्व की जो चर्चाएं थी उस समय भी बहस कम बल्कि चर्चा ज़्यादा हुई है, ये एक अच्छा संतोष का विषय है। और मैं समझता हूँ कि सभी 90 के 90 विधायकों ने एक सदन में एक साथ मिलकर के ये सब काम किया है, यहाँ पक्ष या विपक्ष ना होकर के और समकक्ष होकर के हम सब लोगों ने विचार किया। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने तय किया है कि हायर एजुकेशन लेने के लिए हमारे यहाँ विद्यार्थियों को कई बार आर्थिक कठिनाई आती है, बैंक के लोग उनको लोन भी करने में बहुत सी परेशानियाँ करते हैं, कोलेटरल मांगते हैं। हमने तय किया है कि हरियाणा का कोई भी युवक हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा का लोन अगर लेगा तो उस बैंकों से बात हो गई है, कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट गारंटी हम देंगे, उसको किसी को कोई लोन की कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ाई करेगा उतना ही उससे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि जब उसका अर्निंग हैंड जब हो जाएगा उस समय वो किस्तों में वो बैंक को वापस करेगा, और बैंक को वापस नहीं करेगा तो फिर उसकी जो सैलरी है उसका एक पोर्शन वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट उसका होगा। तो हमने अपने यहाँ एक विभाग की रचना की है, विदेश सहयोग विभाग। विदेश सहयोग विभाग के कई काम रहेंगे, जैसे सामान्यतः देखा है बहुत से पिछली सरकारों के समय चाहे हमारे समय में विदेश के लोग हमारे यहाँ आते हैं या हम विदेश में जाते हैं, बहुत सी बातें हो जाती हैं, बहुत सी बिटवीन द टू पार्टीज एक डायलॉग होता है ऑन द टेबल, लेकिन वो फॉलोअप में भी कई बार पूरा होता नहीं है, जो कमिटमेंट्स होती हैं वो भी पूरी होती नहीं है, नए लोग आते हैं वो भी उनका कोई साबता नहीं होता, तो वो सब करने के लिए या अपने प्रदेश के लोगों को विदेश में जा कर के कुछ व्यवसाय करने के लिए या अपने कुछ ज्ञानवर्धन के लिए किसी भी रूप में विदेश के साथ संबंध बनाने के लिए ऐसा विदेश सहयोग विभाग बनाया है। इसके अंतर्गत हम एक कार्यक्रम और बना रहे हैं कि किसान हैं, श्रमिक हैं, छात्र हैं, अध्यापक हैं, पंचायती और शहरी निकाय के प्रतिनिधि हैं, वैश्विक स्तर पर अच्छी नवीनतम और उच्चतम उनकी सेवाओं का, योजनाओं का उनको जानकारी मिले तो इनको विदेशी दौरों पर भेजा जाएगा। हर वर्ष अभी टारगेट रखा है कि ऐसे 500 लोगों को अलग अलग देशों में भेजेंगे ताकि वहाँ का लाभ हो। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन
हृदय प्रत्यारोपण के संबंध में भारतीय चिकित्सा जगत ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। वर्तमान में इन दोनों सुविधाओं का लाभ हरियाणा कर्मचारी उनके आश्रितों को नहीं मिल रहा है। बाकी सब यानी एक अच्छा प्रोग्रेस तो हुई है कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। भविष्य में यदि कोई सरकारी कर्मचारी उनका आश्रित क्लिंगंगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी चेन्नई, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, MGM हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, क्योंकि ये कुछ स्पेशल हैं जहाँ विशेष तौर पर जो प्रत्यारोपण का काम होता है उसमें किडनी भी है, उसमें लीवर भी है, उसमें हार्ट भी है, उसमें बाकी सब, तो उन स्थानों पर उनको जाने के बाद लाभ नहीं मिलता था, तो ऐसी इन संस्थानों को इन बीमारियों के लिए भी उसमें जोड़ दिया गया है ताकि ये उनको इसका लाभ, इस खर्च की प्रतिपूर्ति ये मिल सके।